तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है तो उसको किस तरीके से चेक करेंगे कि किस कारण के लिए हमारा पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो नहीं मिला है। इसके पोर्टल में आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको हम सारी प्रक्रिया बताएंगे कि कौन कौन से आपके पोर्टल में कमियां हैं जिसके कारण आपका पैसा नहीं आया है, और अगर कमियां हैं तो उसे किस तरीके से आप सही करेंगे जिसके लिए आपका पेमेंट एक महीने के अंदर पूरा पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा नाउ योर स्टेटस का, आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर आपका जो कैप्चर है इसको फिल करने के बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन हमारे पास अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है और हमारा फॉर्म भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हाल ही में आपने इसका रजिस्ट्रेशन किया है, तो इसके लिए आपको बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म CSC फॉर्म्स, तो आपको सिंपल से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमर का जो भी आधार नंबर होगा उस आधार नंबर को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में इस कैप्चर को आपको इसमें फिल कर देना है। कैप्चर को जैसे ही आप फिल करेंगे उसके बाद में आप देखेंगे आपके सामने सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अगर इसका हाल ही में रजिस्ट्रेशन होगा और यहाँ पर देखेंगे स्टेटस भी इसका दिखाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मर हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑन पीएम किसान पोर्टल, प्लीज क्लिक योर स्टेटस फ्रॉम कॉर्नर अंडर बेनिफिक्टरी स्टेटस। यानी कि इस बंदे का जो भी फॉर्म हमने हाल ही में ऑनलाइन किया था या इसने ऑनलाइन करवाया था ये एक्सेप्ट हो चुका है पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर। इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो जनरेट हो चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैक वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे बैक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो फिर से हमको नाउ योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर का एक ऑप्शन आ जाता है, लेकिन हमको अभी रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है तो हमको नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर या फिर अपने आधार कार्ड की मदद से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सिंपल से आधार कार्ड नंबर जो भी आपका है उसे यहाँ पर आपको फिल करना है। इस कैप्चर को आपको इसमें फिल करना है। कैप्चर को फिल करने के बाद आप देखेंगे गेट मोबाइल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर पर एक OTP गई है जो कि आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, उस OTP को आपको इसमें फिल कर देना है और गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पर लिखकर आ चुका है, इसको आपको कॉपी कर लेना है या फिर यहाँ पर आप अपनी कॉपी पे कलम से लिखकर रख सकते हैं, आपका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बैक आने के बाद आपको फिर से नीचे स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पर नाउ योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर फिर से आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमने यहाँ पर निकाला है उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में इस कैप्चर को आपको इसमें फिल कर देना है। कैप्चर को फिल करने के बाद गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, उस OTP को आपको सिंपल से इस पे फिल कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके मोबाइल का जो भी हिंट है उसे यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि आपका जो लास्ट का मोबाइल नंबर है वो इतना है। यहाँ पर आप OTP डालेंगे, गेट डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप गेट डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो भी स्टेटस होगा वो शो हो जाएगा, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी, इसमें नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट और पिता का नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस ये होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे एलिजिबल स्टेटस में आप देखेंगे आपका जो भी यहाँ पर लैंड सीडिंग होगा तो यहाँ पर यस होगा या अगर नहीं होगा तो नो होगा, KYC कंप्लीट होगी तो यस होगी वरना नो होगी। यहाँ पर आप देखेंगे आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो दिखा रहा है, यानी कि आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपकी किस्तें अभी नहीं आई हैं। वजह क्या है, आधार बैंक अकाउंट नॉट सीडेड, यानी कि FTO आपका प्रोसीड में है।
एफटीओ प्रोसीड चेक करने के लिए बिल्कुल लीगल तरीके से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बस केवल आपकी एक ही यहाँ पर गलती है या फिर आप यहाँ पर एक ही जो है ऑप्शन देख सकते हैं गलत है। तो इसको सही कैसे करें, इसको हम ऑनलाइन भी सही कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी स्टेटस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऑलरेडी सीटेड प्लीज क्लिक हियर टू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वेलकम टू आधार वाली ऑप्शन वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सिंपल से लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालने के लिए बताया जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है, जो भी आधार कार्ड नंबर हो। उसके बाद में इस कैप्चर को आपको इसमें फिल कर देना है। कैप्चर को फिल करने के बाद आपको लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा, उस पासवर्ड को आपको इसमें फिल कर देना है। उसके बाद में लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम माई आधार कार्ड की वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको चेक करना है एफटीओ हमारा जो बैंक से लिंक है या नहीं लिंक है, यानी कि हमारा आधार कार्ड बैंक से लिंक है या नहीं लिंक है। तो इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप देखेंगे बैंक सीडिंग स्टेटस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपका बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होगा तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है बैंक मैपिंग हैज बीन डन। अगर नहीं लिंक होगा तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा और नॉट मैपिंग आधार कार्ड नंबर का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका आधार कार्ड नंबर के लास्ट के 4 डिजिट शो होंगे, आपकी जो बैंक होगी उसका बैंक का नाम यहाँ पर शो होगा। और यहाँ पर आपको देखना है बैंक सीडिंग स्टेटस में आप यहाँ पर देखेंगे ग्रीन कलर से एक्टिव का ऑप्शन है। कभी कभी ऐसे केस में ऐसा होता है कि आप बैंक में जाएंगे अपनी KYC कराने के लिए तो वहां पर आपका मैप तो कर देते हैं, यानी कि आधार कार्ड को अपनी बैंक से लिंक तो कर देते हैं, लेकिन एक ऑप्शन होता है DBT का, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट का, उसमें वो लोग एक्टिव नहीं करते हैं, उस चीज को एक्टिव नहीं करते हैं बैंक वाले, केवल आधार कार्ड को लिंक कर देखते हैं, अपनी बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक कर देते हैं लेकिन DBT नहीं लिंक करते हैं। हम आपको बार बार बता रहे हैं DBT लिंक कराने के लिए आपको बताना होगा कि हमारी जो DBT है उसे लिंक कर दीजिए। जब आप बताएंगे तब वो एक्टिव करेंगे, और जब एक्टिव कर देंगे तो आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर आएंगे, इसी तरीके से चेक करेंगे तो आप देखेंगे एक्टिव का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा, वरना आपको यहाँ पर इनएक्टिव का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे लास्ट अपडेट डेट, यानी कि जब भी ये एक्टिव किया जाएगा उसकी डेट यहाँ पर आपको शो होगी। अब यहाँ पर जब ये एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होने के 15 से 16 दिनों के बाद में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल फिर से ओपन करना है, तब जाकर आप यहाँ पर देखेंगे एफटीओ आपका है वो प्रोसीड हो जाएगा और यस वाला ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा ग्रीन कलर से। जैसे कि यह एलिजिबिलिटी स्टेटस में देखेंगे सारी चीजें हमारी यस है, ग्रीन टिक है, यहाँ पर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो है। तो जैसे ही आधार कार्ड आपकी बैंक में ऐड होगा उसके 15 से 16 दिनों के बाद ही आपका पोर्टल पीएम किसान सम्मान निधि का अपडेट होता है, यानी कि अगर आप बैंक में जाकर अपडेट कराते हैं अपने आधार कार्ड को लिंक कराते हैं DBT से तो वो तो 24 से 48 घंटे के अंदर अपडेट कर देते हैं, लेकिन आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल है उसे 15 से 16 दिनों का वक्त लगता है इसको अपडेटिंग करने में। तो ये नहीं आपको परेशान होना है कि हमारी जो बैंक अकाउंट है वो लिंक हो चुका है, आधार कार्ड की वेबसाइट पर आपको शो हो रहा है लिंक, लेकिन हमारा पीएम किसान सम्मान निधि में एफटीओ प्रोसीड नो शो हो रहा है। तो आपको वेट करना है, 15 से 16 दिनों के अंदर आपका ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, अगर आपको आधार कार्ड को अपने बैंक से लिंक करना है तो इसकी दो प्रक्रिया होती है। एक प्रक्रिया आप बैंक जाकर ऑफलाइन तरीके से इसको लिंक करा सकते हैं, और दूसरी प्रक्रिया अगर आपके बैंक अकाउंट और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी इसको लिंक करा सकते हैं। तो ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जो आपको वीडियो के ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा उस पर क्लिक कर उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से मात्र 10 मिनट के अंदर आधार कार्ड को बैंक से लिंक कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन तरीके से कराना है तो आपको तुरंत अपनी नजदीकी बैंक शाखा को जाना है, वहां पर आपको फॉर्म फिल कर बैंक मैनेजर को देना होगा। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि आप
पीएम किसान सम्मान निधि की जो प्रॉब्लम्स होती है उसे खुद से यानी कि सेल्फ कैसे सही कर सकते हैं, इसमें आपको भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। कोई डाउट या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।